हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज से हम न्यू यूनिट स्टडी करेंगे फ्रिक्शन, और ये आज फ्रिक्शन का फर्स्ट लेक्चर है और आज हम इसका फर्स्ट प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। वैसे इसके पहले ऑलरेडी हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड अप्लाइड मैकेनिक्स के नंबर ऑफ अदर टॉपिक स्टडी किए थे, तो इसके पहले के सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करना है तो आप हमारे न्यू चैनल को विजिट करिए, जो कि सिर्फ मैथमेटिक्स स्टडी के लिए बनाया है। हमारे न्यू चैनल का नाम है टिकलेज एकेडमी ऑफ मैथ्स, और ये चैनल का लिंक हमने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें फ्रिक्शन यूनिट का फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या रहेगा उसके लिए, क्वेश्चन रहेगा अ बॉडी ऑफ वेट 2000 न्यूटन रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। If the coefficient of friction is 0.4, find the horizontal force required to move the body. तो देखिए क्वेश्चन में जो डायग्राम दिया है वो आपके सामने है। ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। इसके लिए क्वेश्चन में लिखा था कि ये एक ब्लॉक है, ब्लॉक का वेट है 2000 न्यूटन, ब्लॉक इज रेस्टिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, और ब्लॉक को हमें मूव कराना है, और ब्लॉक को मूव कराने के लिए फोर्स पी हमें चाहिए। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स पी रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक। ब्लॉक जब मूव करेगा तो ब्लॉक और हॉरिजॉन्टल प्लेन के बीच में फ्रिक्शन होगा, तो हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू यूज करना है 0.4, और ये फ्रिक्शन का फर्स्ट प्रॉब्लम है। फ्रिक्शन के कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको इक्विलिब्रियम के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि फ्रिक्शन के कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हमें सबसे पहले एफबीडी ड्रॉ करना है। एफबीडी माने फ्री बॉडी डायग्राम। जब तक आप एफबीडी नहीं बनाएंगे तब तक आप प्रॉब्लम सॉल्व कर नहीं सकते। सबसे पहला काम होता है एफबीडी ड्रॉ करना। एफबीडी ड्रॉ करने के बाद हमें वहां पे इक्विलिब्रियम कंडीशंस यूज करना है। तीन इक्विलिब्रियम कंडीशंस होती है। तीन इक्विलिब्रियम कंडीशंस का यूज करके आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और फ्रिक्शन के लिए सबसे पहले आपको एफबीडी ड्रॉ करना है। यहां पे भी हम सबसे पहले एफबीडी बनाएंगे। एफबीडी बनाने के बाद हम इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे। फर्स्ट कंडीशन है समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, सेकंड कंडीशन है समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू जीरो, थर्ड कंडीशन है समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू जीरो। ये तीन कंडीशन से सॉल्व होता है, और यहां पे एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला आपको मिलता है। फ्रिक्शन के कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला आपको मिलता है, वो फॉर्मूला है फ्रिक्शनल फोर्स का। फ्रिक्शनल फोर्स एफ इक्वल्स टू म्यू इंटू आर, ये फॉर्मूला हम बताएंगे थोड़ी देर में आपको कि वो फॉर्मूला क्या है। लेकिन ये जो फ्रिक्शन यूनिट है, फ्रिक्शन यूनिट जो कि आज इसका फर्स्ट लेक्चर है, तो फ्रिक्शन में कितने टाइप के और कितने टॉपिक्स के ऊपर ये फ्रिक्शन के प्रॉब्लम्स आते हैं वो पहले आप सुन लो। फ्रिक्शन में चार प्रकार के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसमें फोर टॉपिक्स आते हैं फ्रिक्शन यूनिट में। फर्स्ट टॉपिक होता है सिंपल फ्रिक्शन। सबसे पहला है सिंपल फ्रिक्शन। सिंपल फ्रिक्शन में क्या क्या आता है, जैसे स्पीयर का फ्रिक्शन, जैसे कोई ब्लॉक का फ्रिक्शन, या हॉरिजॉन्टल बार एबी का फ्रिक्शन, तो इस तरह के फ्रिक्शन आते हैं सिंपल फ्रिक्शन में। सेकंड टाइप का फ्रिक्शन है, दैट इज अ लैडर फ्रिक्शन। लैडर फ्रिक्शन कहो या इंक्लाइन बीम का फ्रिक्शन कहो, तो ये सेकंड टाइप में आता है लैडर फ्रिक्शन। थर्ड फ्रिक्शन होता है दैट इज वेज फ्रिक्शन। वेज फ्रिक्शन, अब ये वेज फ्रिक्शन का यूज कैसे करना और इनके प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करना वो हम बताएंगे वेज फ्रिक्शन के टाइम। और फोर्थ टॉपिक होता है फ्रिक्शन में, दैट इज बेल्ट फ्रिक्शन। ये लास्ट टॉपिक है बेल्ट फ्रिक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतने टॉपिक्स हैं, और ये सबसे जो पहला टॉपिक है सिंपल फ्रिक्शन। सिंपल फ्रिक्शन का आज हम फर्स्ट टॉपिक का फर्स्ट प्रॉब्लम ये हम सॉल्व कर रहे हैं। सिंपल फ्रिक्शन में भी कुछ सब टॉपिक्स है। तो सिंपल फ्रिक्शन में जो ब्लॉक के प्रॉब्लम्स है वो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, और ब्लॉक के प्रॉब्लम्स में ब्लॉक के पोजीशंस के ऊपर इसके प्रॉब्लम्स बनते हैं। ब्लॉक के पोजीशंस कितने हैं वो देखिए, यहां पे देखिए, यहां पे हमने बना के रखे हैं, यहां पे ब्लॉक के चार पोजीशंस हैं। ये चार पोजीशंस के ऊपर ब्लॉक के प्रॉब्लम्स आते हैं। यहां पे एक ब्लॉक दिया है, देखो जैसा यहां पे एक बॉडी दिया है, एक ब्लॉक दिया है 2000 न्यूटन का, और ये ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर है। तो ये जो डायग्राम जो दिया हुआ है आज के प्रॉब्लम के क्वेश्चन में, ठीक है ना, तो ये जो डायग्राम है ये डायग्राम से मैच करता है। ये देखिए, ये डायग्राम से मैच करता है। तो ये टाइप वन है ब्लॉक के प्रॉब्लम्स में, ये फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट टाइप के साथ मैच कर रहे हैं। तो फर्स्ट टाइप का आज हम फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये जो चार टाइप है, चार टाइप के ऊपर जो है ब्लॉक के प्रॉब्लम्स आते हैं, और ये सिंपल फ्रिक्शन में आता है। तो टाइप वन में देखिए, यहां पे आपको क्या दिख रहा है, ब्लॉक इज ऑन द हॉरिजॉन्टल फ्लोर एंड ब्लॉक इज पुल बाय अ फोर्स पी। इसका मतलब ब्लॉक जो है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर है, हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे है, और ये ब्लॉक को पुल किया जा रहा है बाय मीन्स ऑफ फोर्स पी।
अब या तो ये पुलिंग फोर्स हो सकता है या पुशिंग फोर्स हो सकता है, पुल या पुश दोनों में से कोई भी टाइप का फोर्स हो सकता है। लेकिन अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे टाइप वन में ये जो फोर्स पी से जब आप पुल कर रहे हैं तो फोर्स पी जो है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस को एग्जैक्टली पैरेलल है, तो ये टाइप वन में आता है। जब कभी भी फोर्स पी हॉरिजॉन्टल सरफेस को पैरेलल है तो वो टाइप वन में आएगा, अगर यही पी अगर इंक्लाइंड हो जाए तो वो टाइप टू में आएगा। ये देखिए टाइप टू में अगर आप देख सकते हैं प्रॉपरली तो यहां पे आप यहां पे देखेंगे तो जो फोर्स पी है वो फोर्स पी जो है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस को ऐसा इंक्लाइंड है बाय एन एंगल ऑफ अल्फा। तो ये टाइप टू में आता है कि अगर कोई ब्लॉक को इंक्लाइन फोर्स से पुल कर रहे हैं तो वो टाइप टू में आएगा। और अब ये देखिए टाइप थ्री, टाइप थ्री में जैसा आप देख रहे हैं कि टाइप थ्री में भी एक ब्लॉक है लेकिन ये जो ब्लॉक है ये अब एक इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर है। इंक्लाइंड सरफेस कितना डिग्री से इंक्लाइंड है तो वो थीटा डिग्री से इंक्लाइंड है। अगर ये इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर है तो ये ब्लॉक को फोर्स पी से पुल किया जा रहा है, लेकिन अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे तो ये जो फोर्स पी है ये इंक्लाइंड सरफेस को एग्जैक्टली पैरेलल है। इट मींस एक पैरेलल फोर्स से पुल किया जा रहा है और ये फोर्स जो है वो इंक्लाइंड प्लेन को पैरेलल है, तो ये टाइप थ्री में आएगा। और अब टाइप फोर जो कि लास्ट टाइप है, तो टाइप फोर में भी बिल्कुल सेम टू सेम है। देखिए यहां पे भी ब्लॉक है इंक्लाइंड सरफेस पे और यहां पे भी ब्लॉक है इंक्लाइंड सरफेस पे, लेकिन डिफरेंस क्या है देखिए, डिफरेंस ये है कि यहां पे जो फोर्स पी था वो इंक्लाइंड सरफेस को पैरेलल था लेकिन यहां पे जो फोर्स पी है वो इंक्लाइंड सरफेस को इंक्लाइन है। देखिए इंक्लाइंड सरफेस को इंक्लाइन है बाय एन एंगल ऑफ अल्फा, ठीक है। तो यहां पे भी अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे यहां पे भी, यहां पे हॉरिजॉन्टल सरफेस को पैरेलल है, यहां हॉरिजॉन्टल सरफेस को इंक्लाइन है, ठीक है। अब यहां पे इंक्लाइंड सरफेस को पैरेलल है और इंक्लाइंड सरफेस को इंक्लाइन है, तो ये टाइप्स होते हैं। अभी हम लोग आज ये फर्स्ट टाइप का फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और आज हम ये सॉल्व कर रहे हैं। आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे फ्रिक्शन में, जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ये सभी टाइप्स के ऊपर हम लोग सभी के सभी प्रॉब्लम्स कवर करने वाले हैं। इजी प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हुए हम डिफिकल्ट प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे। ये पूरा का पूरा सिंपल फ्रिक्शन में आता है, ये ब्लॉक के प्रॉब्लम्स, देन आफ्टर हम स्पीयर के प्रॉब्लम्स करेंगे, देन हम टॉपिक नंबर टू स्टार्ट करेंगे जो कि है लैटर फ्रिक्शन, देन टॉपिक नंबर थ्री आएगा वेज फ्रिक्शन और लास्ट टॉपिक आएगा फिर बेल्ट फ्रिक्शन। तो ये फ्रिक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए और फ्रिक्शन के, जैसा हमने कहा था, फ्रिक्शन के कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हमें इक्विलिब्रियम कंडीशंस का यूज करते हुए सॉल्व करना है। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन, लेकिन इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करने के पहले आपको एफबीडी ड्रॉ करना पड़ेगा। एफबीडी माने क्या, तो एफबीडी माने फ्री बॉडी डायग्राम। तो हम सबसे पहले ये ब्लॉक का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम एफबीडी बनाने के बाद हम इक्विलिब्रियम कंडीशंस यहां पे अप्लाई करेंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम एफबीडी बनाते समय हम सबसे पहले यहां ब्लॉक बनाएंगे, तो हम यहां लिखेंगे, यहां पे हम लिखेंगे एफबीडी ऑफ ब्लॉक, एफबीडी ऑफ ब्लॉक। तो ये ब्लॉक का हम सबसे पहले एफबीडी बना रहे, तो देखिए ब्लॉक के एफबीडी बनाते समय सबसे पहले आप हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ब्लॉक ड्रॉ करो। वैसे एफबीडी ड्रॉ कैसे करना वो आप इक्विलिब्रियम में स्टडी कर सकते हैं, हमने ऑलरेडी इसके पहले इक्विलिब्रियम के वीडियोस अपलोड किए थे, आप इक्विलिब्रियम की स्टडी वहां से कर सकते हैं। आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इक्विलिब्रियम ये प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां पे आपको इक्विलिब्रियम के सभी वीडियोज मिल जाएंगे। तो वहां से आप इक्विलिब्रियम की स्टडी करिए और एफबीडी कैसे ड्रॉ करना वहां से आप देख सकते हैं। तो ये देखिए हम एफबीडी बना रहे और एफबीडी बनाते समय हमें क्या करना है, सबसे पहले वेट शो करना है। कोई भी एफबीडी बनाते समय आप ब्लॉक का एफबीडी बनाओ या स्पीयर का एफबीडी बनाओ या रॉड एबी या बार एबी का आप एफबीडी बनाओ, कोई भी एफबीडी बनाते समय सबसे पहला काम होता है वेट शो करना। वेट हमेशा सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड शो करना होता है, सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड। तो देखो हम शो करेंगे यहां ब्लॉक का वेट कितना है, तो ब्लॉक का वेट है 2000 न्यूटन। तो ये देखिए ये हमने ब्लॉक का वेट शो करें 2000 न्यूटन सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड, ये हमने वेट शो करे। वेट शो करने के बाद क्या करना है, तो वेट शो करने के बाद सरफेस रिएक्शन शो करना है। सरफेस रिएक्शन बोलो या सपोर्ट रिएक्शन बोलो या नॉर्मल रिएक्शन बोलो, सरफेस रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस चाहिए। तो यहां पे हम शो करेंगे सरफेस रिएक्शन एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये देखिए यहां पे सरफेस जो है वो हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल सरफेस जो है वो इसका सपोर्ट है, तो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे सरफेस रिएक्शन हमें शो करना है। सरफेस रिएक्शन बोलो या नॉर्मल रिएक्शन बोलो, वो रिएक्शन एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द सरफेस चाहिए। तो ये देखिए ये हमने सरफेस रिएक्शन शो कर रहे हैं, सरफेस रिएक्शन का नाम आप कुछ भी दो, चॉइस आपकी है, तो हम इसको कहेंगे एज अ आर और ये रिएक्शन एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हमने शो किया है। और अब इसके बाद जो फोर्स से इसका
इसको पुल किया जा रहा है वो फोर्स भी हम शो करेंगे। ये देखिए इसको फोर्स पी से पुल किया जा रहा है, जस्ट अ मिनट, इसको फोर्स पी से पुल किया जा रहा है और हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो, और वो फोर्स जो है वो एग्जैक्टली प्लेन को पैरेलल है, तो वो जो फॉर्म में है वही फॉर्म में एज इट इज हम रहने देंगे। तो ये हम फोर्स पी शो करेंगे और फोर्स पी से पुल करने के बाद बॉडी जो है, ये जो ब्लॉक है, ये मूव कहां करेगा, ये आपको समझना है, क्योंकि मूवमेंट के ऊपर हमें फ्रिक्शनल फोर्स शो करना होता है। क्योंकि जब हम ये ब्लॉक को मूव, जब हम ये ब्लॉक को फोर्स पी से पुल कर रहे हैं, ठीक है, जब ये ब्लॉक को फोर्स पी से पुल किया जा रहा है, तो ये ब्लॉक राइट साइड में मूव करेगा। इसका मतलब इसका मोशन जो है वो राइट साइड में रहेगा। तो हम यहां लिखेंगे मोशन, यहां पे जो मोशन है वो राइट साइड में रहेगा। और अगर मोशन राइट साइड में रहेगा, इट मींस अगर ब्लॉक अगर राइट साइड में मूव करेगा, तो ब्लॉक और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होगा। ब्लॉक जब राइट साइड में मूव करेगा तो ब्लॉक और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होगा। तो जब फ्रिक्शन होगा तो आपको फ्रिक्शनल फोर्स शो करना है। हमेशा ध्यान में रखो, फ्रिक्शनल फोर्स शो करते समय फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट में आपको फ्रिक्शनल फोर्स शो करना है। ठीक है, कोई भी फ्रिक्शन के प्रॉब्लम सॉल्व करते समय रूल वही रहेगा, फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट में आएगा, मोशन का जो भी डायरेक्शन रहेगा उसके अपोजिट में। तो यहां देखिए, यहां जो है मोशन राइट साइड में है, इट मींस ब्लॉक जो है वो राइट साइड में मूव कर रहा है, तो ब्लॉक और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है। तो ये देखिए, ये हमने फ्रिक्शनल फोर्स यहां पे शो किया है, फ्रिक्शनल फोर्स जो कि है फोर्स एफ। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स शो करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि फ्रिक्शनल फोर्स एफ और ये जो नॉर्मल रिएक्शन आर है वो दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर चाहिए। इट मींस ये देखिए फ्रिक्शनल फोर्स एफ और ये आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये देखिए, ये हमने फ्रिक्शनल फोर्स नॉर्मल रिएक्शन पे, सरफेस रिएक्शन पे हमने परपेंडिकुलर शो किए और फ्रिक्शनल फोर्स हमने लेफ्टवर्ड दिए। फ्रिक्शनल फोर्स लेफ्टवर्ड क्यों दिए, क्योंकि ब्लॉक का मोशन राइटवर्ड है, ब्लॉक राइट साइड में जा रहा है, तो ब्लॉक और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होगा, इसलिए हमने यहां सरफेस पे फ्रिक्शनल फोर्स शो किया है एग्जैक्टली अपोजिट टू द मोशन। और फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला होता है, हम आपको फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला बता रहे हैं। फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला है F इक्वल्स टू म्यू इंटू आर, ये फॉर्मूला होता है फ्रिक्शनल फोर्स का। फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल्स टू म्यू इंटू आर, म्यू माने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और R माने नॉर्मल रिएक्शन। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहां पे R का यूज करते हैं या तो नॉर्मल रिएक्शन N का यूज करते हैं, यहां पे R लिखो या N लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पे म्यू माने क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये देखिए यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू का वैल्यू दिया हुआ है, ये हमें वहां पे यूज करना है और आर माने नॉर्मल रिएक्शन। तो चलो ये फ्रिक्शनल फोर्स का यूज करके भी हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं आगे, लेकिन साथ में पहले आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करना है। तो यहां पे क्या फाइंड आउट करना है, एक बार चेक करेंगे। क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द फोर्स पी रिक्वायर्ड टू मूव दिस ब्लॉक, इट मींस ये ब्लॉक को मूव कराने के लिए कितना फोर्स पी है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो हम यहां पे इक्विलिब्रियम कंडीशंस वन बाय वन अप्लाई करेंगे। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन नंबर वन, फर्स्ट कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। फर्स्ट कंडीशन है समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, ये फर्स्ट कंडीशन है। लेकिन हम समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स नहीं, हम पहले समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन हम सबसे पहले अप्लाई करेंगे। कोई भी इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करते समय आपको पहले चेक करना है कि वो इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करते समय कितने अननोन आ रहे हैं। अगर सिंगल अननोन आ रहा है तो वो कंडीशन अप्लाई करो, और अगर मोर देन वन अननोन आ रहा है तो कंडीशन अप्लाई मत करो। ठीक है, फिलहाल हमने समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स को स्किप किया है, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो वो जो कंडीशन है उसको हम बाद में करेंगे। पहले हमने समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू जीरो ये कंडीशन हमें अप्लाई करना है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए अगर आपने समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स किए, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स माने क्या, तो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स माने समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स करते समय जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है उनका समेशन करना है। तो यहां हॉरिजॉन्टल फोर्सेस सिर्फ दो है, एक है फोर्स पी और एक है फ्रिक्शनल फोर्स एफ। तो ये दो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है और ये दोनों के दोनों अननोन है, तो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स में कुछ भी सॉल्व नहीं होगा क्योंकि दो अननोन है। लेकिन अगर एक अननोन चाहिए तो समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई करो, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इट मींस समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, इट मींस यहां जितने भी वर्टिकल फोर्सेस है उनका समेशन करना है। तो यहां दो वर्टिकल फोर्सेस है और ये दोनों वर्टिकल फोर्सेस में सिर्फ एक ही अननोन है, इट मींस सॉल्व हो जाएगा। सिंगल अननोन जहां रहेगा वो कंडीशन पहले अप्लाई करना। तो हम सेकंड कंडीशन जो है एफ ऑफ वाई इक्वल टू जीरो वो हम पहले अप्लाई कर रहे हैं। तो चलो यहां पे समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई करेंगे। समेशन करने का रूल, वर्टिकली ऊपर जाने वाले सभी फोर्सेस प्लस। तो देखिए आर जो है वो ऊपर जा रहा है तो आर ये प्लस में है, हमने पहले एफबीडी बना लिए और एफबीडी बनाने के बाद हम समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई कर रहे हैं।
आर जो है वो वर्टिकली ऊपर जा रहा है तो ये हमने दे दिए प्लस, आर के बाद देन ये 2000 वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे एक्ट हो रहा है तो ये हो गया माइनस इक्वल्स टू जीरो, आर को उधर शिफ्ट करो तो आर हो गया दैट इज 2000 न्यूटन। तो फाइनली सरफेस रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन हमने फाइंड आउट कर लिए आर। अब हमें इसके बाद समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स अप्लाई करना है क्या, वो अभी भी हम चेक करेंगे कि समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स अप्लाई कर सकते हैं क्या। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स माने समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स में अभी भी पी और एफ ये दो अननोन है, इट मीन समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स अभी भी नहीं हो सकता। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, ऐसे में हम फ्रिक्शनल फोर्स का जो फॉर्मूला है वो यूज करेंगे जो हमने इसके पहले बताए थे। तो चलो फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला यूज करेंगे, हम यहां लिखेंगे नाउ फ्रिक्शनल फोर्स F इक्वल्स टू म्यू इन टू आर, ये फॉर्मूले का यूज करेंगे। F इक्वल्स टू म्यू माने 0.4, R माने 2000, तो ये देखिए ये हो गया 4 × 2 = 8, तो ये हो गया 800, तो फ्रिक्शनल फोर्स F हमें मिल गया 800 न्यूटन। तो फाइनली हमने फ्रिक्शनल फोर्स यहां पे फाइंड आउट कर लिए, फ्रिक्शनल फोर्स F दैट इज 800 न्यूटन। और अब हम समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स करेंगे जो हमने अभी तक नहीं किए थे, जिसको हमने अभी तक स्किप किए थे क्योंकि समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स में दो अननोन थे, लेकिन अब हमें एफ का वैल्यू पता है और अब हम समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स करेंगे माने समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। और समेशन करने का रूल क्या है, राइट साइड जाने वाले फोर्सेस प्लस तो लेफ्ट साइड जाने वाले फोर्सेस माइनस। तो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स करेंगे दैट इज राइट साइड जाने वाले फोर्सेस प्लस ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो ये देखिए ये फोर्स पी जो है वो राइट साइड जा रहा है तो फोर्स P प्लस में आएगा, और ये फोर्स F जो है वो लेफ्ट साइड जा रहा है तो ये माइनस में आएगा, फोर्स F माइनस में इक्वल टू जीरो। और अब हम यहां पे F का वैल्यू पुट करेंगे तो ये P माइनस 800 इक्वल टू जीरो, सो P इक्वल टू 800 न्यूटन। तो ये बहुत ही आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, प्रॉब्लम में जो कुछ भी लिखा था वो हमने फाइंड आउट कर लिए। क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स पी रिक्वायर्ड टू मूव दिस ब्लॉक, इट मींस ये ब्लॉक को मूव कराने के लिए कितना फोर्स पी चाहिए, तो ये ब्लॉक को मूव कराने के लिए 800 न्यूटन इतना फोर्स चाहिए। तो फाइनली प्रॉब्लम यहां पे कंप्लीट हो गया, उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। तो ये था फ्रिक्शन यूनिट में फर्स्ट टॉपिक का आज का फर्स्ट प्रॉब्लम, इसके आने वाले वीडियोस में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करने वाले हैं ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। इसके पहले हमने जितने भी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और अप्लाइड मैकेनिक्स के टॉपिक स्टडी किए थे वो सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए, कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपने अगर अभी भी अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।